तो आप लोगों ने वीडियो देखा है, ये है सोनाक्षी और जहीर का। जी हाँ, आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को विस्तार रूप से बताने वाले हैं। दरअसल आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि जहीर और इकबाल एक दूसरे से शादी करने के बाद कुछ समय बाद जो कि इन दोनों का जो कि अपॉइंटमेंट भी मिल गया। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि सोनाक्षी ने बड़े ही आलीशान तरीके से एक घर अपॉइंटमेंट खरीदा था और वो घर जो कि 25 करोड़ में उन्होंने बेच दिया। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि सोनाक्षी ने बड़े मेहनत से इस घर को सजाया था और शादी होने के कुछ महीने बाद ही सोनाक्षी ने इस घर को बेच दिया 25 करोड़ में। और आप लोगों को बता दें, फिलहाल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अक्सर जो कि रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट होते हुए नज़र आते रहते हैं। और इस वीडियो की सच्चाई की बात करें, अगर असलियत क्या है इस वीडियो की, तो आप लोगों को बता दें सोनाक्षी और जहीर इकबाल इन दिनों लगातार खूब हॉलीडे मना रहे हैं। आप लोगों को बता दें, भारत छोड़कर जो कि न्यूयॉर्क में खूब इंजॉय कर रहे हैं सोनाक्षी और जहीर। ये है जो कि स्विमिंग पूल के बाहर खूब मस्ती इंजॉय करते हुए नज़र आए और सोनाक्षी और जहीर दोनों ही जो कि खूब मस्ती इंजॉय करते हैं और जो कि मस्ती करना इन दोनों के जो कि काफ़ी चीज़ें पसंद है। और इस वजह से सोनाक्षी जहीर इकबाल आपस में मारपीट मस्ती में करते हुए नज़र आए हैं, ना कि रियल में, जो कि आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि सोनाक्षी जहीर इकबाल एक साथ मारपीट कर रहे हैं।